गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इसमें चैप्टर शेप्स एंड डिज़ाइंस हम कर रहे हैं। इसमें हम 3D शेप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। 3D शेप्स की हमने एजेस और उसके फेसेस के बारे में जाना। आज हम जानेंगे उसके कॉर्नर्स के बारे में। कॉर्नर्स मीन वर्टिसेस, यानी कि शिखर भी बोलते हैं इसको, जो पॉइंटेड पार्ट होता है किसी भी 3D शेप का, उसके बारे में हम जानेंगे कि डिफरेंट जो 3D शेप्स होती हैं उनमें कौन कौन से कॉर्नर होते हैं और कितने कॉर्नर्स होते हैं। तो बच्चों, हमने 3D शेप्स के फेसेस और एजेस के बारे में जाना कि 3D शेप्स में कितने फेसेस और एजेस होते हैं। आज हम जानेंगे कि 3D शेप्स में कितने कॉर्नर्स होते हैं। कॉर्नर्स को हम बेटा वर्टेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो वर्टेक्स यानी कि जो पॉइंटेड पार्ट होता है एक शेप का, वो तो इसमें देखिए, ये मेरे पास एक क्यूब है। अब क्यूब में आप कौन सा पॉइंटेड पार्ट देख रहे हैं, ये देखिए कॉर्नर कौन सा हुआ, ये वाला, ठीक है। ये जो पॉइंटेड पार्ट है जहाँ से ये वाला एज और ये वाला एज मिल रहे हैं, है ना, इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट है बेटा कॉर्नर या वर्टेक्स। इस तरीके से कितने हैं इसमें, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो एक क्यूब में 8 वर्टेक्स होते हैं। इसी तरीके से अब मेरे पास एक क्यूबॉइड है। अभी क्यूबॉइड में कितने वर्टेसेस होते हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो क्यूबॉइड में भी 8 ही कॉर्नर्स होते हैं। अब मेरे पास है ये देखिए कोन। कोन में देखेंगे कितने वर्टेक्स होते हैं। आप देखेंगे कौन सा पॉइंट, ये तो इसका एज है, ठीक है, ये वाला तो एज है इसका। अब पॉइंटेड पार्ट कौन सा इसका, ये वाला। तो कोन में सिर्फ एक पॉइंट होता है, यानी कि 8 कॉर्नर होता है जिसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो एक वर्टेक्स होता है। नेक्स्ट है मेरे पास ये सिलेंडर। अब सिलेंडर में ये फेस था, एक फेस ये, एक फेस ये और एक ये वाला फेस। अब इसमें आपको कॉर्नर कौन सा दिखाई दे रहा है, कौन सा पॉइंटेड पार्ट दिखाई दे रहा है, ये तो एज है, ये इसका जो ये साइड में है ये इसका एज है, ये वाला भी एज है। तो कॉर्नर कौन सा हुआ इसका, वर्टेक्स कौन सा हुआ, कोई भी नहीं। यानी कि जो ये सिलेंडर होता है बेटा, इसमें कोई भी कॉर्नर नहीं होता, कोई भी वर्टेक्स नहीं होता, जीरो। इसी तरीके से मेरे पास ये स्फीयर है, बॉल जैसा, देखिए। अब इसमें कौन सा कॉर्नर नजर आ रहा है आपको, इसमें भी कोई कॉर्नर नहीं है, देखिए कोई भी पॉइंटेड पार्ट नहीं है इसमें। तो स्फीयर में भी कोई भी कॉर्नर या वर्टेक्स नहीं होता है। तो ये थे हमारे 3D शेप्स के कॉर्नर्स या वर्टेसेस। बेटा, हमने 3D शेप्स के कॉर्नर्स के बारे में जाना, जो 3D शेप्स होती हैं उनमें कौन कौन से और कितने कॉर्नर्स होते हैं। हम देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये शेप्स हैं यहाँ पे, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर। और इसमें हमें बताया हुआ है नंबर ऑफ फेसेस। जैसे क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। और एजेस कितने होते हैं, 12 होते हैं। कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं। इसी तरीके से क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं और कॉर्नर 8 होते हैं। सिलेंडर में 3 फेसेस होते हैं, 2 एजेस होते हैं एंड 0 कॉर्नर। कोन में 2 फेसेस, 1 एज एंड 1 ही कॉर्नर होता है। स्फीयर में बेटा 1 फेस होता है और 0 एजेस होते हैं एंड 0 कॉर्नर्स होते हैं। तो बेटा, ये हमारे 3D शेप्स में हमारे फेसेस थे, 3D शेप्स के फेसेस, एजेस एंड कॉर्नर्स। नाउ बेटा, अब आप क्या करेंगे, देखिए इसको शीट में आपको बताना है। जैसे फर्स्ट में देखिए, दिस चेस बोर्ड इज़ मेड यूजिंग। अब ये जो चेस बोर्ड आप देख रहे हैं, आपको बताना है ये किस चीज़ का यूज़ करके बनाया गया है। ट्राइंगल का यूज़ करके, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का या पेंटागन का। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे और बताएंगे कि इसमें स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है या पेंटागन है। इसी तरीके से सेकेंड में आपको बताना है, दिस चेस बोर्ड हैज़ डैश स्क्वायर। अब इस चेस बोर्ड में आपको कितने स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं वो आपको काउंट करना है और फिर बताना इन ऑप्शन में से कि 32 है, 64 है, 48 है या 80 है। इसी तरीके से थर्ड में देखिए, दिस रेक्टेंगल इज कट इनटू डैश ट्राइंगल इक्वली। अब ये आप देख रहे हैं, ये एक रेक्टेंगल है, ये देखिए ये हमारा एक रेक्टेंगल है और एक लाइन यहाँ पे बीच में ड्रॉ की गई है, ये देखिए। तो इस रेक्टेंगल से एक न्यू शेप बन रही है, जब बीच में हम ये जो रेक्टेंगल है इसमें जब बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है, देखिए इस तरीके से, तो न्यू शेप बन रही है। कौन सी, ट्राइंगल बन रहे हैं।
तब आपको ये बताना है कि इस रेक्टेंगल में कितने ट्राइंगल बन रहे हैं। नेक्स्ट, द येलो कलर डिज़ाइन कंसिस्ट ऑफ डैश स्मॉल स्क्वायर। अभी आप देख रहे हैं ये एक पूरी शीट है, इस पूरी शीट में येलो शीट देखिए, ये येलो वाला, ये जो येलो वाला पार्ट है इसमें देखिए, और इसमें आपको बताना है बेटा काउंट करके कि इसमें कितने स्मॉल स्क्वायर हैं, ठीक है, येलो वाले पार्ट में कितने स्मॉल स्क्वायर हैं। ओके, गुड लक।